जब भी IAS, IPS या IFS अफसरों की बात आती है तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है। तो सोचिए कि जिस जगह से ये होनहार आते हैं वहाँ के लोगों को कितना गर्व महसूस होता होगा। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी ही जगह के बारे में। एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश की जौनपुर का माधोपट्टी, और इस गांव की खासियत यह है कि इस गांव ने अब तक देश को 50 से भी ज़्यादा IAS, IPS ऑफिसर दिए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव की आबादी मात्र 4000 है और इस गांव से 50 से अधिक IAS अधिकारी निकल चुके हैं और बैंक तथा अन्य फील्ड के अधिकारियों की भी यहां भरमार है। गांव वालों का कहना है कि हर बच्चे की तमन्ना अधिकारी बनने की है और इस बात की ललक बच्चों में देखने को भी मिलती है। इस गाँव के नाम एक रिकॉर्ड भी है, यहाँ एक ही परिवार के 4 भाई IAS अधिकारी बने हैं। 1955 में बड़े भाई विनय ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। अन्य दूसरे भाई छत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह ने 1964 में ये परीक्षा पास की। इसके बाद इन्हीं के छोटे भाई शशिकांत सिंह ने 1968 में ये परीक्षा पास कर कीर्तिमान स्थापित किया। इन सब की शुरुआत हुई 1952 से, जब गांव के इंदु प्रकाश सिंह का IAS की दूसरी रैंक में सिलेक्शन हुआ। इंदु प्रकाश सिंह दुनिया के कई देशों में भारत के राजदूत रहे। ये भी बताया गया कि इस गांव से PCS अधिकारियों की पूरी फौज निकली है। वहीं गांव के लालेंद्र प्रताप सिंह वैज्ञानिक के रूप में भाभा इंस्टीट्यूट तो ज्ञानो मिश्रा इसरो में सेवाएं दे रहे हैं। गांव के अन्य लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं और गाँव के हर बच्चे की आंखों में सपना है बड़ा अधिकारी बनने का। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.